जो रुखसती 6 माह बाद होने वाली थी अब वो अगले माह हो रही है और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम खुश नहीं। तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे किया जा सकता है असद? मुझे क्या पता था इतनी देर लग जाएगी, आखिर रोज जाती है काम के लिए, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। अगर इब्राहिम का रिश्ता निमरा के साथ हो जाता तो फिर हुरिया के साथ ही उसकी रुखसती भी हो जाती। कौन आया बेटा? निमरा आई अम्मी। अरे सारी रात हमें सूली पे लटकाए रखा और तुम अब आ रही हो, कहां थी सारी रात? ये आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? ठीक कह रही हूं मैं, अगर तुम्हारी जगह मेरी अपनी बेटी भी होती ना तो सबसे पहले उसे थप्पड़ मारती फिर सवाल पूछती उससे। मैं सारी रात हॉस्पिटल में थी। क्या अस्पताल में? फरीदा की तकलीफ क्या कम थी जो तुम भी दुख देने पे आमादा हो गए? I'm sorry दादी, लेकिन दादी वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट तो किसी वक्त भी हो सकता है ना। जन जर जमीन ये तीन चीजें हादसे का बाइस होती हैं। उस दिन तुम टेरेस पे खड़े तारों को देखे मुस्कुरा रहे थे, अब आए तारे नजर तुम्हें? औरत बड़ी बुरी चीज होती है, तुम्हारे बाप ने भी इसके पीछे जान दी थी, अब तुम भी इसको आजमाने की कोशिश कर रहे हो। दादी ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। जबान से ना कहो लेकिन तुम्हारी आंखें साफ बता रही। माजी की कहानी मत दोहराना जिब्रान, तुम्हारे बाप ने दो औरतों को छोड़कर तीसरे के पीछे जाने की कोशिश की और हमें अकेला छोड़ दिया। तुम ऐसा ना करना मेरे बच्चे, ऐसा ना करना। और ये सब क्या, तुम्हें चोट वोट तो नहीं आई कहीं? नहीं दादू मैं ठीक हूँ। अपने कुलीग के साथ वापस आ रही थी कि रास्ते में दो बाइक वालों ने रोक लिया, जो कुछ भी हमारे पास था छीन लिया। मैंने पापा का ये लॉकेट देने से मना किया तो उनमें से एक ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मेरे कुलीग ने उसकी मजामत की तो उन्होंने उसे गोली मार दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था दादू, खुद तो भाग गए। इतनी मुश्किल से मैं उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंची और मोबाइल तो था नहीं मेरे पास, किसको कॉल करती कैसे करती? शुक्र है तुम्हारी जान तो बच गई। वाह मैडम, ये पाकिस्तान है अमेरिका नहीं, यहाँ इस किस्म के एडवेंचर्स बहुत महंगे पड़ जाते हैं। सीधा सीधा पुलिस केस था, अगर पकड़ी जाती तो पता चलता तुम्हें, सीधा घर आने के बजाय हॉस्पिटल जा पहुंची। ये भी नहीं सोचा तुमने कि हम पर क्या कयामत गुजरी होगी पूरी रात? पाकिस्तान हो या अमेरिका, मेरे लिए इंसान और इंसानियत ज्यादा है। जिस शख्स ने मेरी जान बचाई उसे ऐसे सड़क पे मरता छोड़ के आ जाती? तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारी वजह से मुझे और अम्मा को मोहसिन भाई और भाभी की कितनी बातें सुननी पड़ी, तुम्हें हमारी इज्जत का भी जरा ख्याल नहीं आया। I'm sorry आंटी, लेकिन अगर किसी मरते हुए को बचाने से आपकी इज्जत पे हर्फ आता है तो ऐसे इज्जत का कोई फायदा नहीं। Thank you.
उस दिन के बाद से निम्रा मुझसे मिलने आई नहीं, ना ही कॉल करके खैरियत पूछी है। लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? क्या मैं उससे मोहब्बत तो नहीं करने लगा? यस, चले सर, अस्पताल वालों ने आपको डिस्चार्ज कर दिया और मेरे सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है। ड्यूज क्लियर कर दिए सारे? या ऑल क्लियर। लेट्स गो। आई हेल्प यू। सो गुड, चल सकता हूँ। थैंक्स। प्लीज। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अगर अली ना बताता तो मुझे तो कुछ पता ही ना चलता। हर कोई मुझसे यही सवाल किए जा रहा है और मैं सबको बता बता के थक गई हूँ कि मेरा मोबाइल छिन गया था। अच्छा अच्छा, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मुझे तो वाकई नहीं पता था कि तुम इतनी बहादुर हो, एक मरते हुए शख्स को अस्पताल ले गई। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं तो खौफ से मर जाती। जब कोई बहुत अपना मर जाता है ना मरियम, तो फिर मौत से डर नहीं लगता। मामा और पापा की जुदाई ने मुझे बहुत बहादुर बना दिया। हाँ, लेकिन जिब्रान सरमत को हॉस्पिटल ले जाते हुए मेरे दिल ने शिद्दत से उसके जिंदा रहने की दुआ की थी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि वो बहुत से लोगों की उम्मीदों का मरकज है, अपनी बूढ़ी दादी के जीने का सहारा है, एक जहनी तौर पे अपसेट माँ का बहुत ख्याल रखने वाला बेटा है। लगता है काफी करीब से जान गई उसे। यानी ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है। चार आप ओके, मुझे बताओ कहाँ और कितने बजे मिलना है। एक दो दिन और रेस्ट कर लो, फिर ज्वाइन कर लेना। एक हफ्ते से रेस्ट ही तो कर रही हूँ, बस इतना काफी है मेरे लिए। तो फिर ठीक है, मेरे ऑफिस आ जाओ, फिर वहीं से जिब्रान सरमन के शोरूम चलेंगे। वैसे अली बता रहा था कि फर्नीचर का पहला सैंपल रेडी है, आकर विजिट कर ले। रियली? तुम जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। ओके बाय। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हो तुम? ताया अबू, जॉब पे। जॉब पर तो तुम आज के बाद नहीं जाओगे। क्या मतलब है आपका ताया अबू? यही मतलब है जो मैंने कहा है। आप लोगों ने उस वाकये का इशू बना लिया। मेरा प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है, मैं आधी पेमेंट ले चुकी हूँ। ड्यू डेट तक मुझे हमदानी मेंशन का काम मुकम्मल करके देना है, मैं ऐसे घर पे नहीं बैठ सकती। आप लोग बिना वजह में राई का पहाड़ बना रहे। राई होती है तो पहाड़ बनता है, और जिस वाक्य को तुम एक मामूली सा वाक्य समझ रही हो उससे बहुत सी जिंदगियों पे असर पड़ सकता है। सोचा है तुमने? ये दूसरा मुल्क है बेटा, ये अमेरिका नहीं है। यहां पर कम से कम मैं एक इज्जतदार, एक शरीफ घराने की लड़की पूरी रात घर से बाहर रहे तो 100 फसाने बनते हैं। और फिर ये है ना, ये सरमद इंटरप्राइजेस के मालिक का इंटरव्यू नहीं है सिर्फ, इसमें और भी बहुत कुछ है। बचाने वाली का नाम और उसकी बहुत सारी तारीफें लिखी, और फिर रिपोर्टर ने और क्या लिखा है उसको पढ़ो और फिर फैसला करो कि जो कुछ इसमें छपा है वो सच है या झूठ। अब आपको यकीन आ गया? मैं आपसे कह रही थी ना, अम्मी, उस लड़के का और इसका जरूर कोई ताल्लुक है। आपको मेरी बात पे अब तो यकीन आ जाना चाहिए। तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं। तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं, और तुम्हारी दो रोटियां मेरे लिए कोई बोझ नहीं। मैंने फैसला किया है कि इब्राहिम की और तुम्हारी मंगनी कर दी जाए। ये आप क्या कह रहे हैं ताया? वही कह रहा हूं जो तुमने सुना है। तुमने ही नहीं, सबने सुना है। आप मेरे साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकते।
तुम इस खानदान की इज्जत हो। मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करके अपनी इज्जत को अपने ही खानदान में रखना चाहता हूँ, इसमें बुराई क्या है? आप मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते। मैं इब्राहिम से हरगिज शादी नहीं करूंगी। क्यों, क्यों नहीं करोगी? क्या बुराई है मुझमें? और दादी, आप भी तो यही चाहती थी ना कि मेरी शादी एहसन चचा की बेटी से हो। अब जब हो रही है तो फिर निम्रा क्यों इनकार कर रही है? हाँ बेटा, मेरी भी यही ख्वाहिश है। लेकिन दादू, मैंने इब्राहिम को हमेशा सिर्फ अपना कजन समझा है, मेरे भाइयों जैसा है वो। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अरे, शादी से पहले सारे भाई होते हैं, ये कौन सी अनहोनी बात है? और वैसे भी तुम शुक्र अदा करो कि घर की बात घर में निबट रही है। जो लड़की सारी रात घर ना आए ना, लोग उसके मुतल्लिक कैसी कैसी बातें करते हैं इसका तुम्हें अंदाजा नहीं। बस कर दे ताईजान, जो भी है, मुझे ताया अबू का यह फैसला मंजूर नहीं। आप खुद सोचे, एक शख्स जिसने मेरी जान बचाई, उसको ऐसे सड़क पे छोड़ा थी मरने के लिए। हमें निम्रा के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। निम्रा की शादी वहीं होगी जहां ये चाहेगी। इसने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। फाखरा, अगर तुम अपनी तरह अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती तो बेहतर है कि तुम निम्रा और इब्राहिम के रिश्ते के लिए मान जाओ। असद। जी मामा। ये क्या है? आपकी जबरदस्ती की तयशुदा शादी के कार्ड्स। ये बात मुझे भी मालूम है, लेकिन तुम्हारी शादी के सारे कार्ड्स बट चुके हैं। ये वो हैं जो मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को इनवाइट करने के लिए दिए थे। ये यहाँ क्यों पड़े थे? क्योंकि जबरदस्ती की शादी पर दोस्तों को इनवाइट नहीं किया जाता है मामा। खुदा हाफिज। उरिया की शादी का निम्रा से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है चची जान, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम असद की वजह से मुझसे शादी से इनकार कर रही हो। ये क्या बकवास है इब्राहिम? तुम बार बार असद को बीच में क्यों ला रहे हो? ये बकवास नहीं, हकीकत है। क्यों दादी जान? चुप करो इब्राहिम, बात को गलत सिमत की तरफ मत लेके जाओ। ये सब क्या हो रहा है अम्मा जान? मैं तो यहाँ निम्रा और इब्राहिम के रिश्ते की बात कर, बात किस तरफ निकल गई? असद का जिक्र कहाँ से आ गया भाई? सुना नहीं आपने? निम्रा ने इब्राहिम के रिश्ते से इनकार कर दिया है, तो जाहिर है वजह असद ही है। और फाखरा, तुम निम्रा की पसंद से उसकी शादी करवाना चाहती हो ना, तो ठीक है, तोड़ दो हुरिया का निकाह और कर दो निम्रा की शादी, क्योंकि ये असद को पसंद करती है। भाभी, आप होश में तो हैं? हाँ, होश में तो हूँ। एक तुम ही अनजान हो यहाँ पर, और यहाँ फिर तुम्हारी बेटी, वरना तो सारे घर को ही पता है। क्या पता है ताई अम्मी? अरे यही कि निम्रा और असद अमेरिका से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। प्लीज बस कर दीजिए ताईजा, असद सिर्फ हुरिया का शौहर है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे क्यों अपने और असद के ताल्लुक पे पर्दा डालती हो? और फाखरा, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना, तो अम्मा जान से पूछ लो, ये सारी हकीकत जानती हैं। बताइए अम्मा जी, भाभी जो कह रही क्या वो सच है? अम्मा प्लीज, आज आप खामोश नहीं रहेंगी। छोड़ो फाखरा, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? हम बात फायदे या नुकसान की नहीं, बात मेरी बेटी की जिंदगी की। आप इनसे क्या पूछ रही हैं? जो कभी आपके हक के लिए अब्बू से नहीं लड़ी, मेरे लिए क्या बोलेंगी?
आप अभी असद की अम्मी को फोन करें, करें उनको फोन और बुलाएं यहां। अगर ये सब कुछ सच है तो मैं शादी तोड़ दूंगी। अली, आपने अभी तक मिस निम्रा और मिस मरियम को कॉल नहीं किया, घंटे से ज़्यादा हो गया। मुझे एक मीटिंग में जाना है, उससे पहले मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ। सर, मिस मरियम नहीं आ रही। क्यों? उनका फ़ोन आया था कि मिस निम्रा ने आने से मना कर दिया। व्हाट? लेकिन वो तो बहुत एक्साइटेड थी इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये तो आप उनसे खुद कॉल करके पूछने तो बेहतर होगा। ऑलराइट, आई गेट माई डेस्क। ये सब इब्राहिम की वजह से हुआ। अगर असद ने भी सच बोल दिया तो हुरिया तो कभी नहीं मानेगी और फाखरा आंटी फिर से मुझसे बदजन हो जाएंगी। हेलो। हेलो मिस अनुराग, आप क्यों नहीं रही? आप तो काफी एक्साइटेड थे अपने डिजाइन्स का फाइनल ड्राफ्ट देखने के लिए। जी, लेकिन आपके इंटरव्यू ने मेरी सारी एक्साइटमेंट खत्म कर दिया मिस्टर जिब्रान। मैंने तो आपके एहसान का बदला चुकाने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मेरी नेकी को इश्तिहार बना दिया। What? लगता है आपने आज का अखबार नहीं देखा, लेकिन गलती आपकी नहीं है, गलती तो मेरी है। मुझे ये याद नहीं रहा कि मैं जिस मरते हुए शख्स की मदद कर रही हूँ वो एक आम शख्स नहीं है। ये सब कुछ करके आपको शोहरत तो मिल गई मिस्टर जिब्रान, लेकिन आपकी इज्जत मेरे दिल से बिल्कुल खत्म हो गई है। जी जी, और आपने भी ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ बेवफा लोगों का नहीं, बेहिस लोगों का भी मुल्क। और यहाँ किसी की जान बचाना और उसके लिए रात भर घर ना आना एक औरत के किरदार को किस तरह सवालिया निशान बना देता है। काश आपको अंदाजा होता कि आपकी इस एक हरकत ने किसी की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। मिस शर्मा, ये ओके? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? हुआ क्या है? मिस शर्मा, मेरी बात देखिए, मैंने इस तरह का कोई इंटरव्यू जल्दी से आज का अखबार लेकर जल्दी। खैरियत तो है फाखरा, यूं अचानक आपने हमें बुला लिया, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। बल्कि असद तो ऑफिस के लिए निकल पड़ा था, मुझे इसे वापस बुलाना पड़ा। माफ कीजिएगा, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आपको इस तरह से बुलाना पड़ा। कैसी बात? मिसेस ज़िया, क्या आप जानती थी कि असद निम्रा से शादी करना चाहता है? चुप क्यों है? बताइए ना कि असद और निम्रा अमेरिका में एक साथ पढ़ते थे। असद, क्या ये वही लड़की है? जी। हुरिया,
मेरा और असद का कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ हूरिया का शौहर है। ये बात सच है कि मैं और असद एक दूसरे को जानते थे और पसंद भी करते थे, लेकिन जब से असद का निकाह हुआ है आंटी, ये बात बिल्कुल खत्म हो गई है। सारी जिंदगी बस यही दुआ करती रही कि मेरी बेटी का नसीब मुझ जैसा ना हो। मैं तो शायद तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लूं, लेकिन हुरिया ने कभी ऐसी शिकस्त नहीं खाई, नहीं मानेगी वो कभी भी। वैसे मिसेज़ ज़िया, अंधेरे में रखकर हमें आपने अच्छा नहीं किया। अरे अगर आपका बेटा इस शादी पर रजामंद नहीं था तो आप ना आती। सीधा सीधा आपने आंखों में धूल झोंकी है हमारी, ये बिना सोचा कि एक बहन को छोड़ के दूसरी बहन से रिश्ता जोड़ेंगे तो क्या होगा। दूसरी बहन क्या मतलब? आंटी मतलब ये कि हुरिया और निमरा दोनों बहनें हैं। एहसन चचा ने अमेरिका में भी एक शादी की थी और निमरा उन्हीं की बेटी है। वाह, मेरी आंखों में धूल झोंक कर मुझे पर इल्जाम दे रही हैं आप। मैंने तो अमेरिका में रहने वाली आजाद ख्याल लड़की से बचाना चाहा था अपने बेटे को, इसलिए हुरिया को पसंद किया था। मुझे क्या पता था कि हुरिया के बाप ने अमेरिका में दूसरी शादी कर रखी है। मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। आप लोगों की इस गलत बयानी पर मैं शादी तोड़कर भी जा सकती हूँ। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। निम्रा इतनी नाराज थी, पता नहीं उसकी फैमिली ने इस बात को किस अंदाज से लिया है। हेलो मिस्टर जफर, अपने अखबार में ये क्या खबर छापी है आप लोगों ने? मेरे एक्सीडेंट को मेरा अफेयर बना दिया, वो भी मेरी क्लाइंट के साथ। What sorry? आपके सॉरी से क्या फर्क पड़े? अगर कल इस अखबार में इस खबर की तरदीद और आपके रिपोर्टर का माफीनामा ना छपा तो मैं आपके अखबार के ऊपर डेफेमेशन चार्जेस क्लेम करता हूं। इसीलिए मैं कह रही थी कि इब्राहिम और निमरा का रिश्ता तय कर दो, वरना तुम्हारी अपनी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं ताईजा? ऐसे कैसे शादी टूट जाएगी? शादी के कार्ड्स बढ़ चुके हैं और इस सब में किसी की भी गलती नहीं है। I'm sorry आंटी, मैंने उस दिन शॉपिंग मॉल में अपना तारुफ आपसे हुरिया की कजन की हैसियत से करवाया। मैं नहीं चाहती थी कि हुरिया और असद के रिश्ते में कोई दरार आए। और असद, तुम आज भी चुप रह के तमाशा देखोगे? चार दिन बाद तुम्हारी शादी है, बोलते क्यों नहीं? सबको बताते क्यों नहीं कि क्या सच है? असद, देखिए मैं आप सबको सिर्फ इतना ही कह सकता, निमरा जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सच। हम दोनों को इस बात का उसी दिन पता चला था जब मेरा और हुरिया का निकाह हो रहा था, और उस दिन से लेके आज तक हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक कोई रابطہ नहीं है। आप लोगों को हमारी बात का यकीन करना होगा। और आंटी जी, हुरिया ही अब मेरी बीवी है। आप इस बात को लेकर फिक्रमंद मत हो। रहा सवाल हुरिया के बाबा की दूसरी शादी का, तो मामा मुझे ये बात बहुत पहले से पता थी और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब क्या है? क्या पागलपन है ये? आपको मेरा पागलपन दिखाई दे रहा है, मेरी किस्मत की बदहाली नहीं? अच्छा चलो उठो, हाथ मुंह धो लो,
असद बात करना चाहता है तुमसे। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मम्मी, आप तो हमेशा दुआ करती थी कि मेरी किस्मत आप जैसी ना हो, लेकिन देखें, खुदा ने आपकी ये दुआ भी रद्द कर दी। मेरी किस्मत तो बिल्कुल आपके जैसी हो गई। आपको बहुत जल्दी थी ना मेरी शादी की, बहुत जल्दी थी आपको कि असद का रिश्ता आते ही आपने हाँ कर दिया बगैर किसी छानबीन के। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आपने ये ठीक नहीं किया। मम्मी, क्यों किया मेरे साथ आपने ऐसा? होरिया मेरी जान, कोई माँ अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती, लेकिन ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम खुद माँ बनोगी। देखो बेटा, असद बहुत अच्छा लड़का है। होरिया, अब क्या लेने आई हो तुम यहाँ? सारे फसाद की जड़ तुम ही तो हो। चली जाओ मेरे कमरे से, दबा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें यकीन दिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। अपने और असद के ताल्लुक पे पर्दा डालने के लिए और कितने झूठ बोलोगी? अगर तुम इतनी सच्ची होती तो निकाह वाले दिन ही मुझे सब कुछ सच बता देती। असद का और मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना है कि वो मेरी बहन का शौहर, इसके अलावा मेरे दिलो दिमाग में उसके लिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर खाओ कसम, खाओ कसम और कहो कि तुमने जो कुछ भी कहा है सब कुछ सच है। खाओ कसम। मुझे मेरे मरे हुए पापा की कसम, मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है। असद सिर्फ तुम्हारा शौहर है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। किस्मत हमारे हक में होती, लेकिन तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया निम्रा? किस्मत हमारे हक में कभी भी नहीं थी ऐसी। मैं होरिया को यकीन दिलाने के लिए जो कर सकती थी कर चुकी। तुम्हारी बारी, जाओ उसे अपने वजूद का यकीन दिलाओ, आने वाली खुशियों और मोहब्बत का एहसास दिलाओ उसे, लेकिन इस बार कोई झूठे ख्वाब मत दिखाना। वही कहना जो तुम कर सकते। भाई मरियम, मैं जबरान सरमत बात कर रहा हूँ। प्लीज आप निम्रा से कहें कि मेरा फोन उठाए, मुझे उससे एक बात करनी है। इसका कोई फायदा नहीं है जिब्रान साहब। क्यों? इस क्यों का जवाब आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। उसकी दादी और ताया ने ये जॉब करने से मना कर दिया, इसलिए वो मुझे कह चुकी है कि मैं आपके शोरूम से सारा फर्नीचर उठाकर हमदानी मेंशन शिफ्ट करवा दूं। जाहिर है अब इस जवाब के बाद मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती, यकीनन कोई सॉलिड रीजन होगा, वरना निम्रा इतनी नॉन प्रोफेशनल नहीं है। फर्मा बरदार पोता समझती थी, मुझे नहीं पता था कि यूं बुरे वक्त में तुम किसी की कमजोरी को उसके मुंह पर दे मारोगे। क्या जरूरत थी तुम्हें निम्रा और असद के बारे में सबके सामने बात करने की? लेकिन दादी, मैंने तो वही कहा जो सच है। मजे ले लेकर लोगों के ऐब बयान होते हैं, सच नहीं। और गुस्सा तो मुझे तुम पर भी है ना, क्या जरूरत थी इब्राहिम की बात को बढ़ावा देने की? दोनों बच्चियां तुम्हारे मरहूम देवर की औलाद थी, उनके यतीमी का ख्याल कर लेती तुम। वो तो शुक्र है कि हुरिया की बात बिगड़ने से बच गई, वरना खानदान भर में जग हसाई हो जाती। माफ कीजिएगा मजा, जग हसाई तो अब भी होगी। निम्रा और जिब्रान सरमत के ताल्लुक के बारे में जो अखबार में खबर छपी है, वो आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। मुझे तो मरहूम देवर का ख्याल था, इसीलिए इब्राहिम का रिश्ता दिया था, लेकिन निम्रा ने तो साफ मुंह पर इनकार कर दिया।
उसे तो मौसम के बड़ेपन का भी ख्याल नहीं आया। दादी मुझे तो अब भी इस घर की इज्जत का ख्याल है। निम्रा चाहे मना कर चुकी हो लेकिन अगर आप उसे फोर्स करेंगी तो शायद वो मान जाए, और मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। ना भाई, आज जो कुछ हुआ उसके बाद मैं निम्रा के साथ हर गिज को जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं अपना हक का हिस्सा छोड़ने वाला हूं सनी, याद रखना। मैं तुमसे इस इनकार का बदला भी लूंगा और शादी भी तुम्हीं से करूंगा। तुम जैसा शख्स धमकियां देने के अलावा कर भी क्या सकता? ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि इब्राहिम मंसूर क्या चीज है। फिर किस चीज से भाग रहा हूं, मोहब्बत करने या फिर ऐसे एतराफ से कि मैं लड़की से हार गया हूं? हर वक्त क्यों लगता है कि वो मेरे आसपास है? जिंदगी भर में ये सोचता रहा कि अपने बाप की तरह जज्बाती फैसले नहीं करूंगा, और आज मैं खुद अपनी जिंदगी की एक जज्बाती मौत पे खड़ा हूं। आपसे मैंने कहा था कि क्या आपकी जिंदगी में पहले कोई था, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि जब आपने मुझसे यह पूछा था तब मेरी जिंदगी में और कोई नहीं था। ये मैं कैसे मान लूं? देखिए उरिया, मैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए सारी जिंदगी कस्में नहीं खाऊंगा। मेरा ख्याल है कि मियां बीवी का रिश्ता अल्फाज से ज्यादा हमाल से मजबूत होता है। निकाह से लेकर आज दिन तक क्या कभी भी मैंने आपको यह महसूस करवाया है कि आप मुझे पसंद नहीं? तो इसका मतलब है कि अब आपको इस रुखसती पर कोई एतराज नहीं होगा। सुनो बच्चियों, वो मायू की तकलीफ तो शाम में है, तुम लोगों ने सुबह सुबह ही ढोलकी पकड़ ली। अरे दादी जान, सुबह सुबह कहाँ, दिन के 11 बजे, ये हमारे ग्रुप की पहली शादी है। ये ढोल तो अब शादी तक ही बजेगा। अच्छा भाई ठीक है, बजा बजाती रहो, रौनक लगाओ। चलो बच्चियों पहले चाय पी लो, ताजा दम हो जाना। बच्चियों ने तो ऐसी रौनक लगा दी है ना घर में, अब पता चल रहा है कि शादी है। अल्लाह ये रौनकें हमेशा कायम रखे भाई, आमीन। यही दुआ है, इतने अरसे बाद शादियां न बजे इस घर में। हेलो बजाओ।
अस्सलाम वालेकुम। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। कहाँ थी तुम? तुम मेहंदी नहीं लगाओगी? लगवाऊंगी ना, सिखाते हैं। हाँ वो है ना, लगाने वाली। जा बैठ। पता आज मैं वैसी बेबसी महसूस कर रहा हूँ जैसी मैं बचपन में किया करता था। ना ही बचपन में आप और पापा मेरी बात सुनने के लिए मौजूद थे और ना आज। काश आप समझ सकती मामा, तो मैं आपको बताता। एक लड़की चुपके से मेरी जिंदगी में दाखिल हो गई। ये फूल कहाँ से आए? ये जबरान बाबा ने मंगवाया है। शुक्रिया। अच्छा दादी मैं फिर चलता हूँ। ये फूल लेकर यकीनन तुम ऑफिस तो नहीं जा रहे? जी दादी वो एक जरूरी काम है मुझे। ओह जरूरी काम उस लड़की के मुतालिक होगा ना? जी चौको मत, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। दादी वो एक बेजर लड़की। मोहब्बत कभी बेजर नहीं होती, ख्वार करती है। याद नहीं तुम्हारे बाप को कितना ख्वार किया था इसने? दादी इस वक्त पापा का जिक्र कहाँ से आ गया? जब जब मोहब्बत की बात होगी सनत का जिक्र जरूर आएगा, ताकि तुम्हें याद रहे कि मैंने और तुम्हारी माँ ने कितने जख्म खाए। जाओ मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, इस मोहब्बत के हाथों तुम बहुत पछताओगे। बेटा निम्रा तब से घंटी बजे जा रही है बाहर गेट पे, जाके देखो तो सही कौन आया। अच्छा दादू अभी देखते हैं। बात सुनो प्लीज, तुम जाके देख लो, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। आप कौन? ये ढोल और गानों की आवाज। जाहिर है शादी का घर है, ढोल तो बजेगा ही। आप जल्दी बताएं आप कौन? मुझे निम्रा को मेहंदी भी लगानी है, शाम में माइयों की तकरीब भी है। मेहंदी किसकी शादी हो रही है? आप यहाँ? जी क्या तो आपकी शादी हो रही है? जी आपको कोई एतराज? जाने दी